हमको हिसाब चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, हमारे बच्चे की जान गई, हमको तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ है, हमारे बच्चे की जान गई है पूरा, समझे? ऐसे भी नहीं कुछ हुआ। पूरी घटना में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या इंसाफ मांगते हैं? कारपोरेशन से हमको जो भी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है ना, सेफ्टी नहीं दिया। हाँ, बच्चा 40 फीट उतारा नीचे, हाँ भले वो तो देना चाहिए ना उसको पूरी तरह सेफ्टी, किस तरीके से निकालना, क्या निकालना, उसको बोलना चाहिए, देना चाहिए था उसको, और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए अंदर 2-3 मोटर, वो भी बोलना चाहिए था ना। देखिए, बॉडी पीएम के लिए गई है, घर वाले और तमाम रिश्तेदारों का और मोहल्ले वालों का ये बोलना है कि पीएम के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर FIR होना चाहिए। हम तमाम लोगों की, पूरे मोहल्ले की ये मांग है कि जब तक FIR नहीं होगा हम लोग बॉडी यहाँ से नहीं लेंगे। भाई बताएंगे कि क्या घटना हुई है, किसकी डेथ हुई है, कैसे क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में। ये आलम सुल्तान शेख, इसकी डेथ हुई है। ये बंदा नई बस्ती में रहता है और म्यूनसिपालिटी का कोई कॉन्ट्रैक्टर था, वो कॉन्ट्रैक्टर लेके गया है और 3x3 की बावड़ी में उतारा है। वो जगह का कम, इतनी कम जगह में वो 40 फीट डीप में उतारा है और एक ऑलरेडी 3-4 मशीन और मतलब पानी की मोटर थी उसके अंदर, बराबर, और उसके अंदर पूरा कचरा वचरा पूरा जाम हो गया था और 2 बच्चों को लगा कि ये उतारा है, एक नीचे बच्चा है, एक ऊपर बच्चा है, और जिसका इंतकाल हुआ वो नीचे था और एक बच्चा ऊपर था। जब वो नीचे की आवाज़ आई आलम की, मतलब तो ये ऊपर वाला नीचे का, जब तक इसका मतलब हो गया था इसका, और मोटर भी उसकी ऑलरेडी 3-4 मोटर थी, ये ऐसा हुआ है। वो बॉडी किस चीज़ की थी और किस चीज़ के लिए काम हो रहा है? बॉडी पुरानी बॉडी थी, 3x3 की, साफ सफाई, मतलब बॉडी पुरानी है, अंदर डीप है 40 फीट हो और उसका डिस्टेंस है 3x3 कितनी है वो उतनी डीप में और 40 फीट डीप में उतारा है। कितने दिन से काम हो रहा था ये? काम तो 2-3 दिन से हो रहा था, मगर ये बंदा तो आज कर रहा था काम, समझे कि नहीं? और 2-3 दिन से कहाँ दूसरी जगह कर रहा होगा, क्या वो मालूम नहीं हमको, जो है वो बता रहा हूँ मैं। तो कितने बजे ये हादसा हुआ है? ये 2:30 बजे हुआ है, 2:30 बजे हुआ है। तो आप इस पूरी घटना में लापरवाही किसकी मानते हैं? कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है ना, सेफ्टी नहीं दिया। हाँ, बच्चा 40 फीट उतारा नीचे, हाँ भले वो तो देना चाहिए ना उसको पूरी तरह सेफ्टी, किस तरीके से निकालना, क्या निकालना, उसको बोलना चाहिए, देना चाहिए था उसको, और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए अंदर 2-3 मोटर, वो भी बोलना चाहिए था ना। उसके अंदर मोटर थी ना, पूरा जमा हुआ है कचरा, बच्चे की जान चली गई ना। आप लोग की कॉन्ट्रैक्टर से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं हुई, बंदा सामने फ़ोन उठा रहा भी नहीं, आया भी नहीं। तो और इसमें क्या इंसाफ की मांग कर रहे हैं आप? इंसाफ की मांग, वो बच्चे उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे, कौन है उसका? 30 साल का बच्चा है, जवान बच्चा है वो, 3 छोटे छोटे बच्चे हो, हाँ, और ये काम करता है, दिहाड़ी का काम बोलते हैं उसको, क्या काम करते हैं इसका, क्या काम, कैसा काम है ये, लेके गया। और आगे की बात तो और भी सुन लो, यहाँ पे जो है ना, PM होने के बाद जब तक FIR होगा नहीं, जब तक हम लोग बॉडी बिल्कुल लेके जाएंगे नहीं घर पे। ये है पूरा, और ये हमारा नहीं, पूरा नहीं, बस FIR होने के बाद ही बॉडी हम लोग लेके जाएंगे ऑन द स्पॉट में, हमको चाहिए हिसाब। ठीक है, तो भाई आप बताएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था? मैं रस्सी पकड़ा था, आलम भाई काम कर रहे थे, उसके बाद में फिर काम ख़त्म हो गया था, लास्ट एंड पे था, वो भट्टे पे बैठे, अचानक से वो गिरने की आवाज़ उनकी आई, उसके बाद आवाज़ आने के बाद में मेरे साथ में एक जन और जन था, वो रस्सी पकड़ के उतरा, फिर उसके बाद में मैंने दूसरे को रस्सी पकड़ाया, फिर मैं भी उतरा, उतरने के बाद में देखे तो आलम भाई एकदम हाथ पैर ढीला कर चुके। तो आलम भाई कितनी देर से अंदर काम कर रहे थे और क्या अचानक हुआ था? 2-3 घंटा हो चुका था। अच्छा। बस लास्ट एंडिंग पे काम खत्म ही था, हम लोग ऊपर ही आए थे बस। उसके बाद कितने दिनों से ये काम चालू? 2 दिनों से। तो किसके पास काम कर रहे थे आप? रामपुर। तो उनसे बात हुई इस बारे में? नहीं, फोन नहीं उठा रहे थे। पहली बार फोन उठाए, बोले कि मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, मतलब जल्दी आओ। अब ऐसे सिचुएशन पे हमको कुछ समझा नहीं, हम लोग फोन लगाए, उसके बाद में फोन उठाया नहीं, बोले मैं आ रहा हूँ, मैं थाने में हूँ, बोले उसके बाद से फोन नहीं उठाया। भाई जो काम चालू था ये किस चीज़ का था और कौन करवा रहा था, प्राइवेट था या कॉर्पोरेशन का था? कॉर्पोरेशन था। क्या काम था? टेंडर का, बॉडी का। हम लोग इससे पहले भी 3-4 बॉडी साफ करे। अच्छा, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार होता है।
तो कॉन्ट्रेक्टर का नाम क्या है? राम कोरे। राम कोरे नाम। अंकल ये जो हादसा हुआ है इसमें जो जान गई है उनके आप कौन रिलेटिव हो? थोड़ा अच्छा, इस पूरे घटना में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या इंसाफ मांगते हैं? कारपोरेशन को, जो भी है कारपोरेशन मेरे इंसाफ दिला दे बस, मुआवजा जो होगा वो दिला दो, बच्चे लोग को, उसके बच्चे लोग है छोटे छोटे, तीन बच्चे क्या बोलेगा, इंसाफ मांग रहा है, इंसाफ चाहिए और क्या, समझे कि नहीं, इधर समझे, इंसाफ चाहिए अपने को बस, और क्या चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए, उसके छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, हमको इंसाफ चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, हमारे बच्चे की जान गई, हमको तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ है, हमारे बच्चे को जान गई है पूरा, समझे, ऐसे भी नहीं कुछ हुआ, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, उसको इंसाफ चाहिए, तीन बच्चे हैं, दो लड़की, एक लड़का है वो भी छोटा है, लड़का भी छोटा है, जो भी चाहिए म्युनिसिपैलिटी से मुआवजा चाहिए, आप लोगों की मेहरबानी बहुत बहुत होगी, वो बच्चों का या तीन बच्चों की मदद करो। क्या कहेंगे एक 32 साल के युवक की करंट लगने से जान चली गई, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए बहुत दुख की घटना है, मगर इसमें जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने किसी भी तरीके का कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया, ना उनके हाथों में ग्लव्स था, ना पैर में बूट था, और किसी तरीके का ऐसा सुविधा नहीं दी गई कि कोई हादसा पेश आए तो उसको निपटा जा सके, इसके लिए या आगे हादसा ना हो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी ठेका निकलता है तो उसमें सेफ्टी मेजर्स का खास ध्यान रखा जाए, और अगर सेफ्टी मेजर्स नहीं है तो ऐसे ठेके को रद्द किया जाए कि दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो, हमारे कोई युवक की इस तरीके से जान ना जाए, बहुत दुख की और शर्म की बात है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए कि एक युवक की इस तरीके से जान गई, उसको ज़रूर मुआवजा मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, उसकी फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए, उस बच्चे के, उस लड़के के छोटे छोटे तीन बच्चे उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। अभी बॉडी पीएम के लिए गई हुई है और उस पर आपकी क्या मांग है? देखिए बॉडी पीएम के लिए गई है, घर वाले और तमाम रिश्तेदारों का और मोहल्ले वालों का ये बोलना है कि पीएम के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, हम तमाम लोगों की पूरे मोहल्ले की ये मांग है कि जब तक एफआईआर नहीं होगा हम लोग बॉडी यहाँ से नहीं ले जाएंगे।